ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुं निलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। आई वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर आवर एकादशी क्लास। हरे कृष्णा। तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की एकादशी की कथा में। आई वेलकम शांतनु प्रभु ऑल्सो फॉर आवर क्लास। मैं शांतनु का भी स्वागत करता हूँ एकादशी की कथा में। इन भगवत गीता कृष्ण सेज यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अप्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दैट हाउ ही इनकार्नेट्स इन एवरी मिलेनियम इन डिफरेंट डिफरेंट अवतार्स जस्ट टू शो हिज मर्सी टू ऑल द डिवोटीज। तो भगवान भगवत गीता में श्लोक बताते हुए कहते हैं कि किस तरह भगवान हर युग में अवतरित होते हैं ताकि वो अपनी कृपा जो है अपने भक्तों को दे सके। He says that how he comes to deliver the devotees and also deliver the non-devotees. भगवान कहते हैं वो किस तरह भक्त और अभक्त दोनों ही तरह के लोगों का उद्धार करने आते हैं। Now the methodology Krishna applies for delivering the non-devotees is bit different than the devotees. तो जो प्रक्रिया है इस तरह भगवान भक्तों का और अभक्तों का उद्धार करते हैं इसमें थोड़ा अंतर है। And Krishna actually delivers the non-devotees by mercifully killing them. तो भगवान जो है अभक्तों का उद्धार करते हैं अपनी कृपा कर उनका वध करके। And for devotees, Krishna, whenever he comes, he delivers the devotees and delivers them from this material world. तो भगवान भक्तों का उद्धार करते हैं, उन्हें इस भव सागर से पार कराते हैं। When Lord came as Ramachandra, he delivered Ravana and he also delivered Angad, Hanuman, Sugriva, all those personalities. भगवान जब प्रभु श्री रामचंद्र के अवतार में अवतरित हुए तब उन्होंने रावण जैसे दुष्ट का भी उद्धार किया और अपने भक्त जैसे अंगद हनुमान सुग्रीव इनका भी उद्धार किया। And we all know the pastimes of Krishna, how Krishna delivered Kamsa, Krishna delivered Jarasandha, Krishna delivered Sisupal, Krishna delivered Dantavakra, Kalyavan.
so many personalities Krishna delivered, and along with Krishna delivered so many devotees like Sudama, Arjun, and gave them a lot of his association. So, we see Krishna Leela, देखते हैं कैसे भगवान ने कई आसुरिक प्रकृति के जो व्यक्ति हैं जैसे कंस हो गए, दंतवक्र, जरासंध, शिशुपाल, इनका भी उद्धार किया, और साथ ही साथ अपने जो उनके भक्त हैं जैसे सुदामा, अर्जुन, इन सबको भी अपना संग दिया और उनका उद्धार किया. But Krishna, when he sees Kaliyuga, he finds a very divine confusion. परंतु जब भी कृष्ण का विचार इस कलयुग की तरफ जाता है तो भगवान एक द्वंद में पड़ जाते हैं. डिवाइन कंफ्यूजन, तो एक दिव्य चिंता में और एक दिव्य द्वंद में पड़ जाते हैं. एक्चुअली कृष्ण नोज एवरीथिंग, नथिंग कैन कंफ्यूज हिम, बट जस्ट टू परफॉर्म ए स्पेशल पास टाइम कृष्ण गेट्स कंफ्यूज्ड इन कलयुग. तो वैसे तो भगवान सर्वोपरि है, सर्वज्ञाता है, उन्हें क्या चीज उन्हें है जो उन्हें परेशान कर सकती है, जो उन्हें नहीं समझ आता, लेकिन केवल इस लीला मात्र दिखाने के लिए भगवान जो है वह इस द्वंद में आ जाते हैं. Can anyone tell what is Krishna's confusion in Kaliyuga? क्या आप में से कोई बता सकता है कि भगवान की जो चिंता है या द्वंद है, किस द्वंद में भगवान कलयुग में आ जाते हैं? आप में से कोई बता सकता है? ओके, बिहारी गोविंद प्रभु इज रेजिंग हैंड, ही वांट्स टू टेल समथिंग, प्लीज टेल. ओके, नाउ यू कैन अनम्यूट. या वन ग्रेट हरि बोल फॉर बिहारी गोविंद प्रभु. हरि बोल, हरि बोल, हरि. The greatest confusion that Krishna has, the divine confusion, is who is a devotee and who is a demon in Kaliyuga. The सबसे बड़ी विभ्रांति जो भगवान को इस कलयुग वासियों के वजह से आती है वो यह है कि इस कलयुग में कौन भक्त है और कौन अभक्त है, ये भगवान नहीं समझ पाते. Sometimes devotees in Kaliyuga, they behave like demons. देखा जाता है कि तथाकथित भक्त जो हैं कलयुग में वह असुरों की तरह भांति व्यवहार करते हैं। देन आई केम टू बंगाल फॉर द फर्स्ट टाइम। आई वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट आई वॉज इंट्रोड्यूस टू भक्ति एंड देन आई वॉज टोल्ड अबाउट डिफरेंट लिम्स एंड डिफरेंट प्रैक्टिसेस ऑफ भक्ति। बार बंगाल में आया वैसे मैं इधर तो नहीं आया था, मैं कॉलेज में खड़गपुर में भक्तों से जुड़ा पहली बार, तब मुझे भक्ति के अलग-अलग आंखों के बारे में मुझे ज्ञान हुआ। एंड देन आई वाज टोल्ड दैट दीज सिंबल्स लाइक तिलक, कंठीमाला, दीज आर ऑल वेरी सैक्रेड एंड व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स फॉर टेकिंग अप दीज सिंबल्स। तब मुझे भक्तों ने यह सूचना दी, ये जो तिलक है, कंठी माला है, ये बहुत ही शुद्धता के प्रतीक हैं, वैष्णवता के प्रतीक हैं, और उन्होंने मुझे के नियम कायदे भी समझाए कि कौन है जो इनको धारण कर सकते हैं। I was told that how one has to follow the four regulative principles, one has to abstain from taking onion, garlic, and then one should wear the kanthi mala, put tilak. तो मुझे बताया गया कि कैसे व्यक्ति को जो चार नियम है वो पालन करने चाहिए, और जो प्याज और लहसुन है उसका जो व्यवहार है पूरी तरह निषेध हो जाता है, तब व्यक्ति इसको धारण कर सकता है। And it has been almost for a year I was practicing the different limbs of bhakti in my first year in 2005. तो और एक साल लगभग हो गया था, 2005 ये साल की बात है जब मैं ये अलग अलग अंग जो है भक्ति के वो अपने जीवन में Then came the time to go to Mayapur. तो उसके बाद पहला बार मुझे ये मौका मिला कि मायापुर जाने का. And when I went to Mayapur in the local trains, that was the first time I actually explored Bengal. तो
मैं लोकल ट्रेन से मैं मायापुर जा रहा था, तब पहली बार मुझे बंगाल का अनुभव. And I was amazed that everyone is wearing kanti mala and putting tilak, and everyone is with some beedi or cigarette, and everyone is so happily doing. और मैं पहली बार मैंने ये देखा कि हर कोई जो है मेरे आसपास वो कंठी माला पहना हुआ था और हर कोई धूम्रपान कर रहा था, नशा कर रहा था या तंबाकू खा रहा था. When I reached Navdweep station, we are supposed to take a Toto or auto rickshaw, whatever it is, to ISKCON, and then the auto rickshaw person was smoking beedi and he had kanti mala and he was nicely doing everything. So Navdweep station se jab hum Mayapur Navdweep pahunche to wahan hame Mayapur jaane ke liye toto pakadni thi, to humne dekha ki jo hamara auto wala bhi tha wo bhi aaram se wo beedi pee raha tha aur anand mein auto chala raha tha. And he had tilak also, not this type, tilak. Some type of tilak. And immediately I asked the devotees, ki Prabhuji, they are wearing kanti mala, they are putting beedi and this is sin and this and that. All devotees said, no, they are dhamvasis, don't. So, अरे यार ये इन्होंने कंठी माला पहनी है और इस तरह ये जो है बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं. और भक्त ने तुरंत समझाया, बिल्कुल आप ऐसी नजरों से मत देखिए, ये सब धामवासी हैं. Now I am confused. So how much Krishna would be confused? Who is a devotee? Who is a demon? What is? So in Kali Yuga everything is very very hodgepodge. इस तरह मैं जिस तरह विभ्रांति में था, उसी तरह भगवान भी इस अनंत जीवों को कलयुग में देखते होंगे, तो कितने विभ्रांति में भगवान रहते होंगे कि कौन भक्त है और कौन अभक्त है, क्योंकि कलयुग में सब ऊपर नीचे है. No one ever thought that they can make a business out of spirituality. Only Kaliyuga people can think like this. किसी ने कभी भी नहीं सोचा होगा किस तरह आध्यात्मिकता से जो है व्यवसाय किया जा सकता है, अर्थ उपार्जन किया जा सकता है. केवल कलयुग के लोगों में इतना उन्होंने दिमाग लगाया है. So in that way, in such a confused state, who Krishna will kill and whom Krishna will deliver? तो इस तरह की विभ्रांति में जब भगवान है, तो आप सोचिए किसको भगवान जो है उसका वध करेंगे और किसका उद्धार करेंगे. And when Krishna looks at everyone's heart, those who are residents of Kali Yuga, Krishna sees that everyone's heart is filled with so much of negative qualities. और जब भगवान कलयुग वासियों के हृदय की ओर उनकी नजर जाती है, तो भगवान सोचते हैं कि इनका हाथ, इनका जो हृदय है वो तो भरा हुआ है कितने सारे अवगुणों. Recently, His Grace Anant Bhagwan Prabhu was giving a class in the temple, Srimad Bhagavatam class last week. In that he was glorifying, he was describing some pastimes of Mahabharata. So, हाल फिलहाल में अनंत भगवान प्रभु जी हमारे मंदिर में भागवतम की कक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने महाभारत से कुछ व्याख्या की. So he was telling how Bhishma took a vow of killing all the five Pandavas with five arrows. तो बता रहे थे किस तरह भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की कि वो अपने पांच बाणों से ये पांच पांडवों का वध करेंगे. And when Bhishma took that vow, Duryodhan said, "Ki Bhishma, give me those five arrows. I will keep it safely, and tomorrow morning I'll give it to you so that you can kill all the Pandavas." और जैसे दुर्योधन ने ये सुना, तो तुरंत दुर्योधन ने कहा कि आप मुझे अपने पांचों बाण दे दीजिए, तो उसे बहुत अच्छी से सुरक्षित तरह से अपने पास रखूंगा, कल सुबह आपको दे दूंगा और आप इस कार्य की कोशिश. And in the evening, everyone went to take rest, but Krishna was extremely in great anxiety. तो जैसे संध्या काल में सभी लोग विश्राम करने चले गए, परंतु कृष्ण जो थे वो बहुत ही चिंताग्रस्त थे. And Arjuna, Krishna and Arjuna would sleep together. Arjuna saw that Krishna has still not come, and Arjuna went out to check with Krishna, and Krishna said,
कि अर्जुन आई एम इन ग्रेट एंग्जाइटी। तो अर्जुन और कृष्ण जो एक साथ विश्राम करते थे, तो अर्जुन ने देखा कि भगवान चिंताग्रस्त, भगवान के पास गए और पूछा, तो भगवान ने कहा कि मैं बहुत चिंताग्रस्त हूँ। एंड अर्जुन सेड व्हाई, कृष्ण सेड कि आई वॉन्ट यू टू गो टू दुर्योधना, एंड यू रिमेंबर दुर्योधना हैड प्रॉमिस्ड यू व्हेन यू हैड सेव्ड हिम फ्रॉम द डेमिगॉड्स फ्रॉम गंधर्वस, ही हैड प्रॉमिस्ड दैट ही विल गिव यू अ बून। अर्जुन सेड यस, आई वॉन्ट दैट यू गो टू दुर्योधना एंड आस्क फॉर दैट प्रॉमिस, एंड इन रिटर्न ऑफ द प्रॉमिस आस्क फॉर द 5 arrows। जब भगवान को अर्जुन ने पूछा कि वो क्यों चिंताग्रस्त हैं, तो भगवान ने तत्पश्चात बताया कि तुम्हें याद है कि एक बार तुमने दुर्योधन को गंधर्वों से बचाया था, तब उसने ये वचन दिया था कि वह तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेगा, तो आज जब तुम जाओ उसके पास और उस वचन की इच्छा पूर्ति करो और कहो कि वो जो 5 बाण है वह तुम्हें अभी स्वयं दे दे। एंड देन अर्जुन वेंट टू दुर्योधन, एंड व्हेन अर्जुन वेंट टू दुर्योधन के पास, and when Arjuna went to Duryodhana, Duryodhana said, Arjuna, what do you want from me? Do you want the entire kingdom? I am ready to give the entire kingdom in charity to you. So, फिर अर्जुन इस तरह पहुंचे दुर्योधन के पास और दुर्योधन ने कहा कि क्या चाहिए तुम कहो, अगर तुम चाहते हो तो इसी वक्त मैं तुम्हें अपना पूरा राज्य दान में दे दूंगा। Arjuna said, I will win the kingdom. I don't want it in charity. But I have come for your promise and I want those 5 arrows that you have kept under your pillow. So Arjun ne kaha ki rajya to main swayam vijay se hi prapt karunga, mujhe daan nahi chahiye, mujhe bas tum apne vachan ki poorti karo aur mujhe jo 5 baan hai tumhare paas jo tumne chupa ke rakhe hain wo mujhe de do. And understand, this is a demon in द्वापर युग। द एंटायर महाभारत एक्चुअली पोर्ट्रेज द मेन विलन ऑफ द्वापर युग एज दुर्योधन। जस्ट इमेजिन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दुर्योधन इज द मेन विलन ऑफ द्वापर युग, एंड एज सुन एज अर्जुन सेड दैट गिव मी दोज 5 arrows, ही वॉज सच ट्रूथफुल मैन, ही वॉज सच अ पर्सन of integrity, he went to his bedroom and under his pillow the 5 arrows he brought it and gave it to Arjuna. So aap sabhi ye chinta kijiye aur is baat ko samjhiye ki Duryodhan jo tha wo mukhya jo hai villain tha pure Mahabharat ka, jiske bare mein kaha jata hai jiske sabse zyada asurik prakriti thi, lekin wo asurik prakriti ka vyakti bhi itna satyavan aur itna vachanbaddh tha अपनी बातों के प्रति, कर्तव्य निष्ठ था कि उसने भी अर्जुन के मांगने पे जाके अंदर से बाण लाके उसके हाथ में दे दिया। If I would have been in that situation, or even the most honest people of Kali Yuga would have been in that situation, they would have said, I don't know what type of arrow you are speaking about. तो अगर हम में से कोई कलयुग का व्यक्ति होता जो कि बहुत ही खुद को सत्यवान मानता है, तो वह भी इस परिस्थिति में बोल देता कि कौन से बाणों की बात कर रहे हैं आप, ऐसे कोई बाण तो मेरे पास नहीं। और ही वुड हैव गिवन द अदर 5 arrows एंड द मेन 5 arrows ऑफ भीष्म, ही वुड हैव किप्ट इट एंड गिव इट बैक टू भीष्म। या फिर वो व्यक्ति क्या करता कलयुग का कि जो है वो नकली 5 बाण दे देता, जो असली भीष्मदेव के जो 5 बाण है वो अपने पास रख लेता। So the point is that this was the quality of the demons of Dwapar Yuga. तो ये बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि ये थी जो द्वापर युग के जो आसुरिक आसुर लोग थे उनकी क्या प्रवृत्ति थी, उनका कैसा स्वभाव था। And while Duryodhana was giving the 5 arrows to Arjuna, Duryodhana asked to Arjuna, who said to you about these 5 arrows? और जब दुर्योधन ये 5 बाण जो अर्जुन के हाथ में दे रहा था, तो उसने पूछा कि किसने तुम्हें इन 5 दिव्य बाणों के बारे में बताया। अर्जुन said, कृष्णा, who would say
other than him. So Arjun ne kaha ki mujhe to Krishna ne bataya, ye to wahi sab kuch batate hain. And when Arjuna leaves with all the five arrows, then Duryodhan starts speculating. Everyone is telling Krishna is God. I think maybe Krishna is God. जब इस तरह अर्जुन बाण लेके चला गया तो एक पल के लिए दुर्योधन को भी ये विचार आया कि हर कोई कह रहा है कि ये कृष्ण जो है वो भगवान है, मुझे भी लगता है शायद ये कृष्ण स्वयं भगवान. But if Krishna is God, why he would do so much of politics? Why he would tell lies? Just this is nonsense. But फिर उसने इस विचार के खंडन करते हुए सोचा, नहीं नहीं अगर कृष्ण भगवान होते तो इतना राजनेता इसमें क्यों पढ़ते, राजनीति में क्यों पढ़ते और इस तरह वो चोरी भी करते. And if he is God, he would be equal to everyone. Why he is partial to the Pandavas? और अगर वो भगवान होते तो वो तो सबके लिए समदर्शी होते हैं, वो हमारे लिए भी समान होते हैं पांडवों के, लेकिन वो पांडवों के प्रति क्यों पक्षपात करते हैं? But the point is, even Duryodhana had such integrity in Dwapar Yuga to hand over those five arrows to Arjuna. तो हम देख सकते हैं कि उस समय द्वापर युग के ये दुर्योधन भी जो आसुरिक प्रवृत्ति के हैं, उनके चरित्र में भी उनका भी ऐसा गुण है कि वो इतने सत्यवान हैं और इतने कर्तव्यबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं कि अपनी बातों को मानते हुए अर्जुन को अपने पास बांधे. But in Kaliyuga, even the greatest of the saintly persons exhibits extremely negative qualities. परंतु कलयुग में हम देखते हैं कि जो महान तथा कथित महात्मा भी जो होते हैं, वह भी कई सारे दुर्गुण दिखाते हैं. So Krishna is wondering, if I have to deliver people by killing them, I have to kill the demons, vinasaya cha duskritam, then practically I have to do vinas of the entire creation of Kali Yuga. So Bhagwan is tarah vichar kar rahe hain ki agar mujhe sach mein kaliyug mein jo duskriti hai, jo papi hai aur jo durguni hai, unko vinas karna hai, तो मुझे तो पूरे ब्रह्मांड का ही विनाश करना पड़ेगा. एंड व्हेनेवर द हस्बैंड इज कंफ्यूज्ड, द वाइफ कम्स टू हेल्प. और हम देखते हैं कि जब भी इट इज सपोज्ड टू बी पति विभ्रांति में होता है, उस समय जो पत्नी है वह उसे सहायता करने आती है. आई होप दिस इज द केस इन ऑल ऑफ योर फैमिलीज. मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह का ऐसी तरह होता है आप सभी के परिवारों में. And that's how, when Krishna is confused, Srimati Radharani actually delivers Krishna of all the confusion. तो इस तरह जब भगवान विभ्रांति में होते हैं, तब श्रीमती राधारानी आती हैं और उनका उद्धार करती हैं उनके सभी भ्रमों और विभ्रांतियों से. कृष्णा, Shrimati Radharani says to Krishna, "Oh Krishna, you only know this algorithm of killing and not killing." So, वो आके पहले कृष्ण को कहती हैं कि हे कृष्ण, आपको केवल ये दो ही पता हैं कि किस तरह वध करना है और किस तरह वध नहीं करना है. In Satyuga you killed. In Trita Yuga you killed, in Dwapar Yuga you killed, and because of killing and killing and killing and delivering and some not killing and delivering, you have started to get convinced that it's only through killing we can purify a person. So Radharani कहते हैं कि प्रभु, आप सतयुग में कितनों का वध करते हैं और फिर त्रेता युग में, फिर द्वापर युग में, और इस तरह वध करके कितनों का उद्धार किया है, परंतु इस तरह वध कर करके आपका इस तरह की आपका विचारधारा हो गई है कि वध किए बिना किसी का उद्धार नहीं किया जा सकता. बट यू टेल मी, यू किल्ड हिरण्यकशिपु एंड हिरण्याक्ष, डिड दे गॉट डिलीवर्ड, दे केम अगेन एज रावण एंड कुंभकर्ण. आपने तो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का भी वध किया, परंतु क्या सच में उनका उद्धार हुआ? वो तो फिर से असुर बनकर एंड देन अगेन दे केम अ शिशुपाल एंड दंतबक्र. फिर
फिर से वध होने के बाद वो शिशुपाल दंत वक्र की तरह है. एंड कंसा ही वाज एक्चुअली किल्ड एंड ही वाज कालनेमी ए डिफरेंट डीमन एंड हु केम एज कंसा. So in Kala name he was also delivered by Vishnu and again he came as Kamsa. Kala name ki jo the wo ek asur the unko to Vishnu ne swayam mara tha apne mara tha fir bhi to wo Kams ke roop mein fir asur ban kar aa gaye. So just by killing or delivering their hearts may get purified but that desire will not get purified. इस तरह अगर आप केवल वध करेंगे तो उस समय हो सकता है कि उनका हृदय थोड़ा शुद्ध हो जाए उद्धार के कारण, परंतु उनकी जो मूल इच्छाएं हैं का शुद्धिकरण कभी नहीं होगा. I will come and I will give my mood to you and when I give my mood to you, you will understand how to transform people's desire with love. इस तरह मैं स्वयं अपने अपना जो भाव है वो आपको प्रदान करूंगी और उस भाव के साथ जब आप कलयुग के लोगों के पास जाएंगे तब आप समझ पाएंगे किस तरह उनकी इच्छाओं की शुद्धिकरण कर सकते हैं आप प्रेम के द्वारा. एंड एक्चुअली लव इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स. और सत्य तो ये है कि जो प्रेम है वो इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे जो तीव्र बल है. I had gone to celebrate someone's 75th birthday. So मैं एक बार मुझे बुलाया गया था एक couple के 75th 75वें birthday पे. The old man whose birthday was there, I asked all other people to appreciate some of his good qualities. व्यक्ति थे तो मैंने सभी लोगों से निवेदन किया कि वो इनके कुछ गुणगान करें और इनकी कुछ गुण हमें बताएं. So the Bahurani of the family, she said that the thing that I hated the most from my childhood is and which I could not tolerate is someone smoking. बहू ने सबसे पहले उस परिवार की बहू ने सबसे पहले कहा कि जो जो कार्य है जो मैं सबसे ज्यादा घृणा करती थी अपने बचपन से वो है कि जब कोई धूम्रपान करता है. एंड आई जस्ट कैन टॉलरेट द स्मोक द ऑर्डर एंड इट जस्ट इरिटेट्स मी सो मच. उसने कहा कि ये जो धूम्रपान का धुआं है उसकी जो बदबू है उसे मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकती. And when I came to this house, I realized that my father-in-law is almost a chain smoker. और जब मैं इस घर में विवाहित होकर आई, तो मुझे पता चला कि जो मेरे ससुर हैं, वो तो एक चेन स्मोकर हैं. Now what do? I have to stay with him throughout my life. I started serving my father-in-law and my father-in-law could sense that I have irritation for this and I am so nicely trying to serve him but I have got this irritation and just to please me he left his 20 years of smoking habit just in one day. तो इस तरह मैं अपने ससुर की अलग-अलग तरीके से सेवा करने लगी और उन्होंने उनका ध्यान इस तरफ गया कि उनके धूम्रपान की जो आदत है इससे मैं प्रभावित हो जाती हूँ, ये मुझे पसंद नहीं है. तो मेरी सेवा से खुश होकर और मेरे लिए केवल उन्होंने अपनी जो 20 साल की ये धूम्रपान करने की जो आदत थी उसे एक दिन में त्याग दिया. This is the power of bhakti. ये है भक्ति.
भक्ति की शक्ति. We have karma yoga, gyan yoga explained in varieties of ways. If we do karma yoga, our heart will get purified. If we study scriptures, our intelligence will get purified. Mentioned in Bhagavad Gita. So हम इतने सारे योग प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, कर्म योग के बारे में, किस तरह सही तरह से अपना कर्म नियोग करने से हमारा हृदय परिवर्तित होगा, शुद्ध होगा, किस तरह शास्त्रों का गहराई से अध्ययन करने से ज्ञान योग में बताया जाता है हमारा शुद्धिकरण होगा. But the easiest way to give up negativities of life and accept positivity of life is to love Krishna and understand that if I have to love Krishna, Krishna doesn't like negative things. So, हमारे जीवन में जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं, उन्हें त्यागने का और सकारात्मक चीजों को ग्रहण करने का सबसे आसान तरीका है कि अगर हमारे हृदय में थोड़ा प्रेम हो भगवान के प्रति, कि भगवान मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मुझे इन इन चीजों को त्याग कर देना चाहिए. And that's how a devotee is easily, he overcomes all negative things. पर इस प्रक्रिया से एक भक्त जो है वो सभी नकारात्मक चीजों से मुक्ति पा लेता है. Because he develops love for Krishna who is supremely positive. क्योंकि वो अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत करता है जो कि If this lady born in a pious family, she feels so much of irritated of all these negative habits and all these principles. So how much Krishna, who is supreme personality of Godhead, who is most positive, how much he would get irritated by all our negative habits? माता जी हैं, स्त्री हैं, वो एक सात्विक घर में उनका जन्म हुआ और वो इस एक छोटी सी नकारात्मक आदत से वो इतने परेशान हो जाती हैं. तो हमें सोचना चाहिए कि भगवान जो परम सकारात्मक हैं, जो शुद्धता के प्रतीक हैं, वो हमारी गलत आदतों से, नकारात्मक आदतों से कितने चिंताग्रस्त और परेशान हो जाते हैं. टू फॉलो द फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल इज डिफिकल्ट, बट इफ वी थिंक दैट Krishna, I love Krishna and Krishna loves, Krishna will love me if I follow the four regulative principle, Krishna will be pleased with me, then it becomes very easy. जो चार नियम है उसको कलयुग में पालन करना इतना सहज नहीं है, परंतु अगर हम सोचते हैं कि अगर मैं इन नियमों का पालन करता हूँ जो भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं, जो भगवान जिससे प्रसन्न होंगे, तो मैं जरूर इन नियमों का पालन करूंगा, तो यह पालन करना To read Bhagavad Gita, Bhagavatam, to come for the class, to switch on the videos in the class, it may be difficult. But if we love Krishna, then it is very easy. Oh, Krishna is very pleased. So, Gita, Bhagavat, padhna, Bhagavat kaksha mein aana, aur ye on karke dhyan purvak sunna, ye kabhi kabhi hame bahut मुश्किल लग सकता है, परंतु अगर हम ये करते हैं, ये जानकर कि भगवान मेरे इस कार्यों से कितने प्रसन्न होंगे, कितने खुश होंगे और मैं अपना प्रेम व्यक्त कर पाऊंगा, तो ये करना सहज हो जाएगा. In this way, Shrimati Radha Rani delivered Krishna of the confusion that someone who loves, he can easily give up all demoniac habits. तो इस तरह Shrimati Radha Rani ने भगवान की इस विभ्रांति का से भगवान का उद्धार किया, यह समझा के कि अगर ये प्रेम है, इस प्रेम के वजह से सारी नकारात्मक चीजों को त्याग किया जा सकता है. There are many people, many of my friends in IIT, they didn't wanted to take alcohol, but I know that just to please their friends, they would go to different restaurants and bars outside the campus and take alcohol just to please their friends. पार्टी थे आईआईटी में जब मैं पढ़ता था, तो मैं देखता था कैसे उन्हें ये मद्यपान करना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, परंतु केवल अपने बंधुओं को प्रसन्न करने के लिए उनके साथ बार में और रेस्टोरेंट में चले जाते थे मद्यपान करते. So if we make friends with devotees, if we start loving Krishna, if we start loving devotees, we will try to please the devotees, and how the devotees will be pleased,
If we give up all sinful habits, if we start taking prasadam, if we start reading and serving Krishna and doing devotional service. So, इस तरह अगर हम अपनी मैत्री जो है वो भक्तों के साथ बढ़ाते हैं, भगवान को प्रेम करने का प्रयास करते हैं, तो उस प्रेम का प्रयास में हम यह कोशिश करेंगे कि मैं किस तरह भगवान को और भक्तों को आनंद दे पाऊं, और हम देखेंगे कि वो किस तरह आनंदित होते हैं अगर हम भगवान की सेवा में लगेंगे, भगवान के कथा श्रवण करेंगे, नाम उच्चारण करेंगे और नकारात्मक चीजों से दूरी बनाए रखेंगे. इन दिस वे, भक्ति योगा, ट्राइंग टू लव गॉड इज सुप्रीम फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मच अबव देन ज्ञान, कर्म एंड अदर फॉर्म्स ऑफ योगास. तो इस तरह भक्ति योग जो है जिसमें एक भक्त भगवान के प्रति प्रेम विकसित करने का प्रयास करता है, वह बाकी सभी योग की पद्धतियों से जैसे कर्म, ज्ञान, अष्टांग, ये सबसे सर्वोपरि है. And that's how Krishna came in the mood of Shri Shrimati Radharani as Sri Chaitanya to actually make all of us lovers of God. So, इस तरह Shri Krishna अवतरित होते हैं Shrimati Radharani के भाव के साथ Shri Chaitanya Mahaprabhu के रूप में कि वह किस तरह हमें भगवान के प्रेमी बना सके. In all other yugas, Krishna was trying to teach, trying to put the rules and regulations, put qualifications, but as Lord Chaitanya, Krishna just makes everyone become lover of Krishna. इस तरह बाकी युगों में जब भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान कुछ ज्ञान देते हैं, कुछ सिखाते हैं, कई कई नियम कानून बताते हैं और वध करते हैं, उद्धार करते हैं, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान आते हैं तो वह केवल सभी को भगवान के प्रेमी बनाने का प्रयास करते हैं. एंड इफ वी लव कृष्णा देन वी विल लव ऑल दैट कृष्णा लव्स एंड वी विल नॉट लव ऑल दैट कृष्णा डजंट लव. अगर हम भगवान के भक्त बन जाते हैं, भगवान से प्रेम करने लगते हैं, तो स्वाभाविक यह हो जाएगा हम पे कि हम वह हर चीज, हर व्यक्ति से प्रेम करने लगेंगे जिससे भगवान प्रेम करते हैं, और हर उस चीज से जो भगवान प्रेम नहीं करते हैं हम प्रेम नहीं करते लगेंगे. And what Krishna loves his devotees. और भगवान सबसे ज्यादा प्रेम किसे करते हैं? भगवान अपने भक्तों से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं. So if we love devotees, if we don't criticize them, if we don't find faults in them, and if we simply try to love devotees and serve devotees, then Krishna becomes our lover and we become Krishna's lover. So, इस तरह जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, जिनको भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अगर हम भी उनको प्रेम करने का प्रयास करते हैं, उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं, उनका अपराध नहीं करते हैं, निंदा नहीं करते हैं, तो इस तरह हम जरूर भगवान के प्रेमी बन जाएंगे और भगवान भी हमसे प्रेम कर लेंगे. And when we start experiencing the love of devotees, love of Krishna, in our heart, there is a feeling to distribute that love. और जब हम अपने जीवन में भगवान का और उनके भक्तों का प्रेम अनुभव करने लगेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय में इच्छा आएगी कि हम उस प्रेम का वितरण दूसरों को भी करें. Just like Santanu Prabhu has gone to Bangalore now, for searching a job. Now in Bangalore, Santanu Prabhu tastes some special barfi in some sweet outlet in Bangalore. So, udaharan swarup jaise Santanu hai, wo Bangalore gaya hai kuch job ki talash mein, aur agar wo bahar kahin kisi dukaan mein bahut acche mishthan bhandar mein jata hai aur bahut hi ek acha swadisht mithai wo chakhta hai. As soon as he tests it, immediately a desire would come. Oh, I am going to Calcutta, so let me take some barfis for the devotees of Calcutta. So, जैसे ही वह इस बहुत सुंदर मिठाई का बर्फी का आस्वादन करता है, तो तुरंत उसके हृदय में इच्छा आती है, कह रहे मैं तो कलकत्ता जा रहा हूँ वापस कुछ दिन में, तो जरूर मैं इसे भक्तों के लिए लेके जाऊँ. So this desire to distribute the sweet comes
when we experience the sweetness of the sweet. So ye jo ichha hai, jo So this desire to distribute this sweet comes when one experiences the sweetness of the sweet. So is mithai ko vitran karne ki ichha jagrit hoti hai jab hum swayam us mithai ki mithas ka aswadan karte hain. Santanu is telling that job pehle lagne dijiye, then vitran karenge. Job se pehle nahi karenge. So exactly in the same way, when we are practicing, all of you are attending classes, you are laughing, you are so happy to attend classes about Krishna, learn about Krishna. So the natural result of we experiencing some happiness, the very fact that how many people are there, let's find out. 79. Okay, the very fact that all of you 79, you have assembled in a weekday evening, is that you are experiencing some happiness by hearing about Krishna, correct? So agar is baat ko dekha jaye ki ye jo aaj Monday ke din, weekday ke din, आप सब लगभग 80 भक्त शाम को एकत्रित हुए हैं भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, इसका तात्पर्य ये है कि आप जरूर इस भगवान के श्रवण से, भगवान की सेवा कीर्तन से कुछ तो आनंद आपके जीवन में आ रहा हो। अदरवाइज हु वुड सैक्रिफाइस द प्राइम टाइम इन द इवनिंग वेयर पीपल वुड वॉच, क्योंकि सांस भी कभी बहुत ही, दैट्स व्हाट माय मदर यूज्ड टू वॉच, आई डोंट नो करेंटली व्हाट सीरियल्स आर गोइंग ऑन, और कहानी घर घर की, एंड हु वुड लूज ऑल दैट अपॉर्चुनिटीज, और आईपीएल और द इलेक्शन रिजल्ट्स, द एग्जिट पोल्स, दिस इज अ करंट टॉपिक, एंड हियर फ्रॉम ए बाल्ड हेडेड बैंकरप्ट सन्यासी। तो अगर देखा जाए तो इस तरह जो संध्या काल का जो समय है, ऑफिस करने के बाद, जॉब करने के बाद, दिन भर के काम करने के बाद, सभी अलग अलग मनोरंजक कार्य करना चाहते हैं, न्यूज देखना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट टीवी देखना चाहते हैं, सिनेमा देखना चाहते हैं, परंतु ये सब कुछ छोड़कर आप इस एक सन्यासी से, एक साधारण सन्यासी से भागवत श्रवण करने के लिए आए हैं, इसका मतलब और क्या है? यही है कि आपको भगवान में कुछ आनंद मिल रहा है। That means all of you are experiencing some sweetness of Krishna. Otherwise, it is not possible to continue on the path. इसका तात्पर्य यही है कि आपको इस कृष्ण भक्ति से कुछ मिठास आपके जीवन में जुड़ रही है. I am seeing some devotees have put tilak and like Anju Mataji, Indrani Mataji, Selja Mataji, 4-5 years before Bihari Govind, 4-5-6 years before, when I used to go and meet them, they were like ordinary people. With Bihari Govind had a lot of hairs, and I had asked him that, can you please attend some classes? And we used to have monthly ones, one class in the month. And that was so difficult for him. Oh, Prabhuji, how can I find out time to attend one class in a month? पांच छह साल पहले की बात है, आज तो मैं देख रहा हूँ कि कैसे सब इतने सुंदर वैष्णव के रूप में सब यहाँ आए हैं, तिलक लगा के इतनी सुंदरता से, परंतु पांच साल पहले, छह साल पहले की बात है कि जब बिहारी गोविंद से मैं मिला था पहली बार, तो मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि एक बार मासिक एक कक्षा में आप आ सकते हैं क्या, परंतु वो भी उनके लिए इतना मुश्किल लग रहा था। And now he is putting tilak and initiated and hearing classes, not just weekly. Yesterday morning he attended one class, and now today evening again he is attending another class. Abhi wo itne acche se bhakti kar rahe hain bhagwan ke, aur dhoti kurta pehen rahe hain, tilak laga rahe hain, aur kal hi unhone ek kaksha attend ki, aur aaj usse zyada utsah ke sath fir se aaj bhagwan ki kaksha mein. This shows that all of you are experiencing, and that is true for all other Matajis and Prabhujis. I have seen how all of you have got transformed so beautifully. So,
इस तरह और ये चीज बाकी सभी आप सब जो भक्त प्रभु जी माता जी आए हैं आप सभी के लिए भी ये सत्य है, तो किस तरह इस तरह हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, रूपांतरण आया है कि हम भगवान की भक्ति में इतना आनंद महसूस कर रहे हैं। इंद्राणी माता जी, आई मेट हर इन रथ यात्रा फॉर द फर्स्ट टाइम एंड अलोंग विद अर्पण हु वाज अ स्मॉल बॉय अटेंडिंग सम कोचिंग इंस्टीट्यूट। इंद्राणी माता जी से मैं पहली बार रथ यात्रा महोत्सव में मिला था उनके पुत्र अर्पण के साथ जो छोटा सा एक लड़का था तब कोचिंग में पढ़ता था। एंड आई मेट देम टेक प्रसादम खिचड़ी आलूदम हलवा इन द लाइफ मेंबर स्टॉल इन रथ यात्रा। और मैंने उन्हें खिचड़ी आलू दम हलवा प्रसाद जो है लाइफ मेंबर स्टॉल में उन्हें दिया था। सिमिलरली सहजा माचतिक मात जी, आई हैड मेट हर फर्स्ट टाइम इन एनबीसीसी विद लॉर्ड ऑफ सिंदूर एंड सी वुड कम विद नाइसली वेल्ड हेयर ओढ़नी एंड सी वुड कम विद शिल प्रभुपाद भगवद गीता। सी वॉज द ओनली स्टूडेंट हु वुड कम विद शिल प्रभुपाद भगवद गीता। तो सहजा माती से पहली बार एनबीसीसी में मिला था उस समय वो कक्षा करने आती थी और वो एकमात्र मेरे ऐसे छात्र थी जो हमेशा साथ में प्रभुपाद जी की भगवत गीता लेके ही आती थी। She was the only new student who would bring Srila Prabhupada's Yatharup Bhagavad Gita. And I was very happy that this person is having Srila Prabhupada's Gita. Let this person become devotee. So, all of you have got transformed so beautifully. If you look back to your life previous and look now, life has so much got transformed. इस तरह आप सभी भक्तों के जीवन इतना सुंदर तरीके से परिवर्तित हुआ है और अगर हम स्वयं को देखें पूर्व काल में तो देखें कि हमारे जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट we remember and we jot down what positive things that has happened because of coming of devotees guru and krishna in my life। hum sabhi ko kuch samay nikalna chahiye aur sochna chahiye vichar karna chahiye aur likhna chahiye ki kya kya sakaratmak parivartan mere jeevan mein aaye hain hari guru aur vaishnavo ki kripa se। I was having so much of fear to even interact with one person. So, मैं तो पहले तो ऐसा था कि मैं एक व्यक्ति से भी कुछ बातचीत करने में मैं बहुत ही घबराता था। And my sisters they say now, you are giving seminars in auditoriums to 400 and 500 people. We are shocked. What has happened to you? वो अब कहती है कि तुम इस तरह कथा करते हो सेमिनार करते हो जिसमें कभी कभी 400-500 लोग आके तुमसे सुनते हैं, इस तरह का परिवर्तन तुम्हें आया कैसे? हम तो I used to not talk with anyone, not socialize with anyone. I used to not have any friends. I don't have any school friends, any college friend, any IIT friends, nothing. तो मैं कभी भी किसी से मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था और इसीलिए मेरे बचपन से ना मेरे स्कूल के ना कॉलेज के कहीं के भी मेरे कोई दोस्त मेरे नहीं है। But I see in my life how life has got transformed, how Krishna has empowered me now to add some positive value in people's life. तो मैं देखता हूँ किस तरह परिवर्तन मेरे जीवन में भगवान लाए हैं, मुझे इस तरह सशक्त किए हैं कि मैं कितने लोगों के जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन ला सकता हूँ, उनकी मदद कर सकता हूँ। So in this way, it is important for all of us to study our own lives and jot down those points, those positive memories of positive change that has come in our life because of coming of Guru, Krishna and Sadhus and Bhagavad Gita and Bhagavatam in our life. तो इस तरह हम सभी को कुछ समय निकालना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए, विचार करना चाहिए अपने जीवन पे कि किस तरह मेरे जीवन में इतने सारे सकारात्मक परिवर्तन आए हैं साधुओं की कृपा से, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, भागवत और भगवत गीता की कृपा से। I remember when I came to ISKCON for the first time in the youth center in Khadakpur, the first they fed me gajar ka halwa।
भी याद है जब मैं पहली बार इस्कॉन के युद्ध विभाग के सेंटर पे पहुंचा खड़गपुर में, तो पहली बार मुझे गाजर हलवा प्रसाद का सेवन करने मिला. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड इज, डू यू मिक्स ड्रग्स इन दिस हलवाज सो दैट यू कैन मेक ऑल दिस पीपल द आईआईटीएंस योर चमचास? तो मैंने प्रश्न पूछा कि क्या आप इस गाजर हलवा में कुछ नशीले पदार्थ मिलाते हैं, ये सब इतने शिक्षित और आईआईटी के छात्र जो है आप सबके फेरा में फंस जाते हैं. एंड आई वॉज द टॉपर ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड दैट्स हाउ आई वॉज लाइक the center of attraction of on the center that day. Everyone was looking at me, the topper has come, the topper has come, and the topper is asking this question. So us din main to institute ka Kharagpur ka topper tha us samay, aur main jab center pe pahuncha ye karyakram attend karne, to sabhi log mere taraf hi dekh rahe the aur yahi halchal thi ki institute ka jo सर्वोपरि छात्र है आज आया है, परंतु जो सर्वोपरि छात्र है उसके मन में क्या सवाल चल रहा है किसी को पता नहीं था. And devotees were so merciful in answering my questions and they fed me so much of gajar ka halwa, so much of gajar ka halwa, and that now for I got so indebted for that gajar ka halwa that I thought that whole life I have to serve them only. तो इस तरह पर लोग काफी सहनशील थे और उन्होंने उनकी कृपा से उन्होंने मेरे सारे प्रश्नों का जवाब दिया और मैं इतना कृतज्ञ हो गया उनके प्रति कि मैंने अपना जीवन उस गाजर हलवा की सेवा के प्रति समर्पित करने का डिसाइड किया. So in this way, in my mind and heart, there are so many stories of how devotees have helped me, and Srimad Bhagavatam has helped me, and Bhagavad Gita has helped me, Krishna has helped me, Vaishnavas have helped me. So these memories are the most cherished memories, cherished things, precious objects or valuable gifts that I have got. So is tarah mere man mein aur mere smriti mein itne sari aisi ghatnaye hain jisme bhakton ne, bhagwan ne, shrimad bhagavatam ne, geeta ne mujhe path dikhaya, meri madad ki, aur ye jo smritiyan hain ye itne mere hriday ke itne kareeb hain jise hum bar bar main yaad karke I am so grateful to my spiritual master, His Holiness Radhanath Swami Maharaj. Whenever I would feel any confusion, I would just randomly open some lecture of him and I'll hear that. And all my questions will be answered miraculously. So, main itna kritajj hoon apne Gurudev Param Pujya Radhanath Swami Maharaj ka, ki jab bhi mere jeevan mein kuch bhi bhram hota tha, kuch bhi bhranti hoti thi, मैं कोई भी एक उनकी कथा उनका लेक्चर खोल के सुनने लगता था और ऐसा चमत्कार होता था कि उस कथा से उस लेक्चर से मेरे सारे भ्रम जो है मेरे सारे जो प्रश्न हैं उनका जवाब मुझे मिलता. वन टाइम आई हैड अ सीरियस डाउट दैट हाउ कुड प्रहलाद महाराज ही इज सीइंग नरसिंह देव फेस टू फेस एंड हाउ कुड समवन हु इज सीइंग लॉर्ड नरसिंह देव फेस टू फेस एंड ही इज सच एन अकम्प्लिश्ड पर्सन. He was saved by God, someone who is saved by God, someone who is talking with God. If we happen to talk with some Bollywood celebrity, we become so proud. He is talking directly with God. How is that he is so humble? एक बार मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि प्रहलाद महाराज जो हैं, जिनके लिए भगवान स्वयं अवतरित हुए हैं, जो स्वयं भगवान के सामने भगवान के साथ सीधी तरह से बात कर पा रहे हैं, भगवान से मिल पा रहे हैं, जिनके लिए स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं, तो कैसे ऐसे हो सकता है कि उनके हृदय में बिल्कुल भी अहंकार? Because I was thinking that after some time I will also meet Krishna, so I should not become proud of meeting Krishna. तो मैं सोच रहा था कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो कुछ समय बाद जरूर मैं भी भगवान से मिलूंगा, तो कैसे मुझे भी बिल्कुल भी अहंकार मेरे हृदय में नहीं आना चाहिए था. So one day I remember I was washing the pots of Radha Kunj Bihari. That time we used to have Kunj Bihari. So I used to wash the pots and I was playing some lecture of Radhanath Maharaj. So mujhe yaad hai ki us samay Pune mein Kunj Bihari mandir mein main us samay
बर्तन धो रहा था भगवान के और उस समय लेक्चर चल रहा था महाराज जी का. एंड अमेजिंगली महाराज वॉज स्पीकिंग अबाउट द सेम पॉइंट एंड ही वॉज टेलिंग दैट वेन लॉर्ड इज वेरी प्लीज्ड विद द डिवोशनल सर्विस ऑफ हिज डिवोटी द लॉर्ड कवर्स थ्रू हिज योगमाय पोटेंसी द इंटेलिजेंस ऑफ हिज डिवोटी एंड द डिवोटी वेन ही इज कवर्ड ही इज नॉट एबल टू सी हिज ग्लोरीज सो दैट ही कैन बिकम हम्बल बिकॉज दैट ह्यूमिलिटी नरिशेस द लव फॉर गॉड. तो महाराज जी इसी तथ्य पे वहां व्याख्या कर रहे थे. तो वो कह रहे थे कि जब भगवान अपने भक्त की सेवा से खुश हो जाते हैं तो भगवान उस भक्त की जो बुद्धि है उसको अपनी माया शक्ति से उसको ढक देते हैं ताकि वह इस तरह अपने गुणों के बारे में अपनी अपने स्वयं की व्याख्या के बारे में ना सोच सके और नम्र हो जाए क्योंकि इस तरह की नम्रता उसके भक्ति को पोषण कर और ज्यादा पोषण देती है. एंड महाराज वाज टेलिंग दैट इट्स ओनली बाय कृष्णस मर्सी दैट वी कैन बिकम हम्बल. महाराज जी बता रहे थे केवल एकमात्र कृष्ण की कृपा से ही हम जो है नम्र बन सकते हैं. रादर The greatest mercy that God can ever offer to any living entity is when Krishna offers the quality of humility. So, Maharaj तो यह भी कह रहे थे कि सबसे बड़ी परम कृपा जो भगवान किसी जीव को प्रदान कर सकते हैं वह यह है कि भगवान उसे नम्रता का गुण जब प्रदान करते हैं. Now this happened in 2007, but I still remember this. So dearly to my heart. और ये जो है ये 2007 की घटना है परंतु अभी भी ये मेरे हृदय में इतनी गहराई से मुझे याद है. I remember how 2008 I had gone to Vrindavan for the first time and it was such a wonderful experience and when I came back from Vrindavan I was simply chanting Radhe Radhe. Sometimes you know you get a hype, bhakti hype. So, तो अगर आज मैं पहली बार मुझे भक्तों की कृपा से वृंदावन जाने का मौका मिला और इतना अच्छा वह आनंदमय मेरे लिए वह सफर रहा वो यात्रा रही कि आने के बाद मैं केवल मेरे मुख से राधे राधे ही उच्चारण कर रहा था. I was just chanting so much of Radhe Radhe, roaming around in the youth center, and I was not studying. And devotees were wondering, will he get failed this time in this semester? He has gone mad. So, मैं दिन भर इस तरह राधे राधे उच्चारण करते हुए youth center में घूमता रहता था और पढ़ता बिल्कुल नहीं था. तो भक्तों भक्त थोड़ा चिंताग्रस्त हो गए कि क्या इस बार ये भक्त पास हो पाएंगे या फेल ही हो पाएंगे. And then one day. In the dream, I saw a very, very beautiful dream. And by seeing that dream, which is very, very personal, I got convinced that we should not do Radhe Radhe. This is not the right way. We should take shelter of Guru. So, इस तरह मैंने एक दिन एक स्वप्न देखा और उसकी व्याख्या तो मैं नहीं कर पाऊंगा परंतु उससे मैं मुझे ये समझ आ गया कि मुझे केवल इस तरह राधे राधे नहीं करना है मुझे अपने So, there are so many stories I can, days and days will pass if I start jotting down so many positive memories and so much of gifts that I have got from Krishna through dreams, through different interactions, through devotees, through love of devotees. It is oceanic. कई सारे मेरे ऐसे साक्षात्कार हैं जो मुझे मिले हैं भगवान साक्षात्कार गिफ्ट्स उपहार गिफ्ट्स बहुत सारे उपहार हैं और बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो मुझे भगवान के साथ भगवान के भक्तों के साथ सेवा करके भक्तों के प्रेम के रूप में मुझे मिली है जो मेरे हृदय में. दिस इज आवर वेल्थ इन कृष्ण कॉन्शियसनेस द पॉजिटिव मेमोरीज विद डिवोटीज कृष्णा and shastras and guru. तो हमारे जीवन के असली धन यही हैं यह जो सकारात्मक स्मृतियां हैं जो हमें कृष्ण से शास्त्रों से और गुरु की कृपा से मिली है. And these memories
if we keep on, you have seen cows, how the cows, they keep on munching, and when they munch, the grass gets converted to milk. आप सभी ने गायों को देखा होगा कैसे वो घास खाने के बाद भी उसके पुनः बाद भी बार बार उसी को चबाते रहते हैं और इस तरह इस प्रक्रिया से वो जो हरी घास है वो इतने पौष्टिक दूध में परिवर्तित हो जाती है. Exactly in the same way, when we munch these positive memories of gifts that our Guru Krishna, Vaishnavas, Srimad Bhagavatam have given us in our life, when we keep on munching these positive memories, ultimately these memories will transform into the milk of love of God in our heart. So, इस तरह जितने भी सकारात्मक स्मृतियां हैं जो हमारे जीवन में हमें मिली हैं गुरु से, श्रीमद् भागवतम से, गीता से और भक्तों के साथ हमारी सेवाओं से, अगर उनका हम स्मरण करते रहेंगे और उनका हम उन पे विचार करते रहेंगे तो यही स्मृतियां हैं जो पुनः हमारे जीवन में भगवत प्रेम में परिवर्तित हो जाएंगी. And these memories, sometimes we may feel a little dry in Krishna consciousness, we may not feel interested in chanting, hearing the class, but if we have always memorized these memories and remembered these memories, in those moments where we're feeling little bored and low in Krishna consciousness, they will uplift, they will help in uplifting our spirits. So, kabhi kabhi bhakti mein hame nirasta lagti hai, hame akelapan lagta hai, aur hamara sadharan jaisa jeevan hone lagta hai, us samay agar hum sakaratmak smritiyon ka chintan kare, un pe vichar kare, तो हम देखेंगे कि ये जरूर हमें उस परिस्थिति से बाहर ले आएंगे क्योंकि इनका आनंद हमें आनंदित करेगा. So it's my request that all of you always keep on remembering those beautiful memories and not just those memories. Even in present time, we are being blessed so much by devotees, by Guru, by Krishna. So let us see the positive hand of Guru, Krishna and Vaishnavas in our life in helping us transform into a beautiful person. So, इस तरह मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी विचार करें और याद करते रहें उन स्मृतियों को, न केवल पहले की स्मृतियों को, अभी भी हम स्मरण करते रहें कैसे हर दिन हर क्षण हमें गुरु की कृपा से, भक्तों की कृपा से इतने सारे उपहार मिल रहे हैं, आध्यात्मिक उपहार. And how our life has got so nicely transformed into this, we are trying to become such better human beings, better devotees, and we are trying to live a such a pure life only by the mercy of Srila Prabhupada, devotees and Krishna. सकारात्मक परिवर्तन पहले भी आए हैं और दिन प्रतिदिन आ रहे हैं इन आध्यात्मिक कार्यकलापों की वजह से, और ये सब केवल हो पा रहा है श्रील प्रभुपाद की कृपा से, भक्तों की कृपा से और गुरु की कृपा से. And when we realize this, and when we meditate on this, we will feel an urge to share the same happiness with others. और जब हम इन तीन तथ्यों का चिंतन करते हैं, इन पे ध्यान करते हैं, तब हमें हमारे हृदय में एक स्वाभाविक इच्छा जागृत होगी कि हम इस तरह के इन तरह की स्मृतियां और इस तरह का आनंद दूसरों से भी बांट सके. If I am feeling so happy in association of devotees, let me invite others also to experience the same happiness. अगर भक्तों के संग में मुझे इतना आनंद की अनुभूति हो रही है भगवान की भक्ति करते हुए, तो क्यों ना मैं दूसरों को भी इस सत्संग में आमंत्रित करूं. And this attitude, when it arises in a heart of a devotee, he becomes very dear to Lord Chaitanya Mahaprabhu. और इस तरह का भाव जब एक भक्त के हृदय में स्वाभाविक तरीके से जागृत होता है तो वह श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत ही प्रिय हो जाता है. When a devotee wants to assist Lord Chaitanya in bringing more and more people to experience
the happiness of love of God. जब भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की सहायता करना चाहता है कि वे ज्यादा से ज्यादा भक्त जीवों को भगवान की भक्ति से जोड़ सके ताकि वो भगवान की सेवा का आनंद की अनुभूति कर सके. And in our life, Sri Chaitanya Mahaprabhu has sent us his most powerful, most merciful Commander-in-Chief, Srila Prabhupada. Srila Chaitanya Mahaprabhu ne apne swayam ke sabse balshali senapati bhakt Srila Prabhupada ko hamare jeevan mein upahar ke roop mein diya hai. If we just assist Srila Prabhupada by distributing his books, by distributing what he has given us, then that will please Lord Chaitanya Mahaprabhu the most. अगर हम प्रयास करते हैं श्रील प्रभुपाद की सहायता करने का कि जो हमें श्रील प्रभुपाद से मिला है उसे दूसरों को भी दे सकें तो इससे श्री चैतन्य महाप्रभु the most special gift that श्रील प्रभुपाद has given us are his books which are filled with pure knowledge about Krishna. श्रील प्रभुपाद ने जो सबसे परम उपहार हमें दिया है वह उनके ग्रंथ हैं जो शुद्ध कृष्ण भक्ति से के तथ्यों से संचालित. Before Srila Prabhupada went to West, there were already more than 700 editions of Bhagavad Gita, but not a single edition of even a mixed devotee, what to speak of pure devotee. Srila Prabhupada ji ke paschat desh jaane se pehle hi 700 se bhi zyada editions थे भगवत गीता के, परंतु एक भी हमें ऐसा कोई भगवान का भक्त नहीं मिल पाता था. But it was Srila Prabhupada's compassion and his purity of representing all our acharyas. And when the disciples started distributing Bhagavad Gita as it is written by Srila Prabhupada, there was such a transformation among the entire world. Srila Prabhupada ki karuna ke karan aur unki shuddhata ke karan jisse unhone sabhi acharyon ke jo vani hai use sangathit karkar apni granthon mein likha aur jab unke shishyon ne in granthon ko dusron ko diya to humne dekha ki kis tarah is pure jagat mein ek tsunami si aa gayi bhagavat prem ki. And we also have the same opportunity to participate in distributing Krishna's mercy in the form of these beautiful literatures to all the fallen souls of this world. So, हमारे पास भी ये सौभाग्य है कि हम भी कृष्ण की करुणा का वितरण करने का हमें भी मौका मिल रहा है श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करने के माध्यम से. We are having a special festival on June 9th called Brahmoshchav, and I invite all of you to Basera Banquets Hall in New Town, Action Area 1, near Pride Hotel, for celebrating the birthday of Nitai Gauranga. So, Shishi Nitai Gauranga ka jo Abhibhav ka jo tithi hai, jo Brahmoshchav ke roop mein manate hain. उसका पालन कर रहे हैं, उसका महोत्सव है बसेरा बैंक्वेट्स में जो कि न्यू टाउन एक्शन एरिया 1 पे है. मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं. सो आई वाज आस्क्ड बाय द टेंपल टू क्रिएट अ रिपोर्ट ऑफ आवर प्रीचिंग एंड व्हाटएवर वी डिड लास्ट 1 ईयर थ्रू आवर दासोस मी एंड ऑल कांग्रीगेशन एंड ऑल द डिवोटीज ऑल ऑफ यू. सो आई वाज आस्क्ड टू प्रिपेयर रिपोर्ट. तो मंदिर की तरफ से मुझे यह कहा गया कि पिछले एक साल में हमने जो भी गतिविधियां की हैं, जो भी प्रचार कार्य करने का प्रयास किया है उसके ऊपर एक रिपोर्ट बना के सबमिट किया जाए. So while making the report, I didn't make the report. I asked the devotees involved in the services to make the report. And some devotees sent me the reports of distribution of books. And I was so amazed that we have distributed so many books last in 1 year.
तो अलग अलग हस्तों ने इस रिपोर्ट को बनाने में योगदान दिया। और जब मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के रिपोर्ट्स देखे तो मैं इतना आनंदित हुआ कि कितने सारे भक्तों ने मिलकर इतनी सारी प्रभुपाद के जो ग्रंथ है उनको वितरित किया है। We have almost distributed more than 800-900 of Srila Prabhupada's books and something around 200 of the books written by me in just 1 year. मैंने देखा कि 800 से 900 ग्रंथ श्रील प्रभुपाद के भक्तों ने वितरण किए और जो मैंने भी किताब लिखी है उसे भी 200 किताब के आसपास भक्तों ने लोगों को वितरण किए। And we have created this wonderful group called Illuminate by Bihari Govind Prabhu, Sweta Mataji, Monalisa Mataji, Subhayan Prabhu and all those devotees. And they're working hard to keep inventory and they're making so many wonderful plans. And I saw recently so many devotees are going into different bus stops and all, and we are putting book tables. So it's so inspiring. हमारा एक इल्यूमिनेट ग्रुप है जिसका नेतृत्व बिहारी गोविंद प्रभु कर रहे हैं। श्वेता माता जी, मोनालिसा माता जी, शुभायन प्रभु, ये सब मिलकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। और मैं देख रहा हूँ कैसे भक्त लोग अलग अलग जगह जाके बस स्टैंडों में भी जाके बुक टेबल लगा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जो ग्रंथ है श्रील प्रभुपाद के वो वितरण करने का प्रयास कर रहे हैं। वेदर लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु विल ब्लेस यू or not, but if you go to different bus stops and outlets or different places and distribute books, spiritual literatures, Lord Chaitanya will personally bless you. I don't know, मुझे पता नहीं है कि हम सब क्या क्या गतिविधियां कर रहे हैं उससे हमें भगवान की चैतन्य महाप्रभु की कितनी कृपा मिलेगी, परंतु ये मैं आश्वासन देता हूँ कि जो भी भक्त अलग अलग जगह बाहर जाकर बस स्टॉप्स पे लोगों के पास जा जाकर उन श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ वितरण करने का प्रयास कर रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु अवश्य ही उन्हें अपनी कृपा प्रदान करेंगे। So I was thinking that why I should be bereft of this mercy. So I was thinking I will also go someday to distribute books. And I invite all of you, you also come and let us go and get this experience of distributing books on the streets. सोचा कि इस कृपा से मैं क्यों वंचित रहूं, तो मैंने निर्णय किया कि मैं स्वयं इस तरह गली मोहल्ले में जाकर, रास्ते में जाकर, घर घर जाकर प्रभुपाद की किताब वितरण करूं। और मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप सभी। One time I was in Howrah distributing Bhagavad Gita. एक बार मैं हावड़ा स्टेशन पे था, गीता वितरण कर रहा था। And one person was just going and I was telling Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, and this is marathon time, this is December time, this is in we are distributing at a discount price Bhagavad Gita. He said nahi amake eta lagbe na amake Bhagavad Gita lagbe, and like that he was telling that I don't need this, I need Bhagavad Gita, and he was running. So I was just thinking, people are so passionate, he just doesn't know what he's speaking. कर रहा था, मैं कह रहा था कि ये गीता ले लीजिए, गीता ले लीजिए, ये गीता जयंती का महीना है, हम गीता स्पेशल डिस्काउंट में वितरण करने का प्रयास कर रहे हैं, और वे व्यक्ति किसी तरह मुझसे भागने का प्रयास कर रहा था। वो कह रहा था मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो भगवत गीता चाहिए, भगवत गीता चाहिए, इस तरह के राजसी। And then I caught hold of him and said, "This is Bhagavad Gita." He said, "Oh, I was thinking I wanted Bhagavad Gita," and he took it. He was actually running away, thinking that I am trying to give him some other book. And when I realized this was Bhagavad Gita, he took the Bhagavad Gita. He's a Bengali man. So, किस तरह वो भागने का प्रयास कर रहा था, उसे लग रहा था कि मैं कुछ और किताब उसे चिपकाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर मैं उसे पकड़ा और उसे देख बोला, कह रहे ये Bhagavad Gita ही है। तब वो समझा, हाँ हाँ, ये तो Bhagavad Gita ही चाहिए। And then one day, the other hawkers, they got envious because we are distributing so many Gitas, and their people are coming and taking books from our stalls. आसपास के जो कुछ जो दुकान वाले थे वो हमसे ईर्ष्या करने लगे कि हम भगवत गीता वितरण कर रहे हैं और कैसे लोग हमसे आके गीता ले रहे हैं उनके स्टॉल छोड़कर हमारे पास। And they complained to the police, and the police came. तो उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट कर दिया और पुलिस वाले आए। So I gave some prasadam to the police.
and I made him there only eat the prasadam. And the police was so happy with our prasadam. And then I said, I am from IIT, I am topper in IIT. The police started taking selfie. Oh, this is a special hawker. He's an IITian hawker. इस तरह पुलिस वाले आए और सबसे पहले मैंने उन्हें प्रसाद दिया और वहीं उन्हें खाने के लिए कहा और वो बहुत ही आनंदित थे प्रसाद लेकर. और फिर मैंने अपना परिचय दिया कि मैं आईआईटी से हूँ और मैं ये सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ. इतने खुश हो गए कि मेरे साथ सेल्फी लेने लगे क्योंकि शायद उनको पहली बार ऐसा जीवन में मौका मिलता है. एंड द पुलिस इन्फॉर्म द हॉकर्स दैट दीस आर फ्रॉम आईआईटी एंड डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज दे आर टॉपर्स एंड इवन द हॉकर्स केम एंड स्टार्टेड टेकिंग सेल्फीज एंड फोटोज. पुलिस वाले ने बताया कि ये सब बहुत शिक्षित इंजीनियर हैं, बड़े बड़े कॉलेजों से हैं, तो इस तरह की वो जो दुकान वाले थे वो भी खुश होकर हमारे साथ आके फोटो खींचा. एंड दे आल्सो टुक भगवद गीता. उन्होंने भी भगवद गीता ली. सो इन दिस वे वी शुड अंडरस्टैंड दैट द बेस्ट वे दैट वी कैन गिव मर्सी टू दिस टू पीपल हु डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट कृष्णा इज बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग different spiritual literatures. तो सबसे अच्छा तरीका, सबसे सरल तरीका जो है, जो हम लोगों को भगवत ज्ञान दे सकते हैं, जो भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वो है कि हम इन आध्यात्मिक ग्रंथों का वितरण करें. So anyone who wants to join and experience this bliss, please contact Bihari Govind Prabhu. तो कोई भी आप में से अगर इसमें योगदान करना चाहता है और ये आनंद पाना चाहता है ग्रंथ वितरण का, तो बिहारी गोविंद प्रभु से संपर्क करें. एंड लेट अस एक्सपीरियंस द ब्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग कृष्णा टू अदर्स. और हम सब मिलकर यह आनंद की अनुभूति करें एक साथ कृष्ण को दूसरों को प्रदान करके. एंड व्हेन लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु सीज दैट वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग हिज मर्सी टू अदर्स, then Lord Chaitanya Mahaprabhu will be merciful to all of us. और जब श्री चैतन्य महाप्रभु देखेंगे कि हम कैसे उनकी कृपा, उनका ज्ञान दूसरों को वितरण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वे जरूर हमसे प्रसन्न होंगे. I thank you all of you for your patient hearing and I wish all of you happy Ekadasi. तो मैं बहुत ही धन्यवाद आपको व्यक्त करता हूँ कि आप सबने इतना पेशेंटली सुना और मैं आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधुव्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. वैष्णव ठाकुर की जय. श्रील प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय. इल्यूमिनेट ग्रुप की जय. दासोस्मी फैमिली की जय. इस्कॉन न्यू टाउन की जय. समवेत गौर भक्त वृंद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा.